हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है, मोनोमियल का मोनोमियल के साथ। अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ। इसमें जनरली क्या है कि जैसे तुम्हें मोनोमियल दिया जाएगा, ठीक है, और जो ब्रैकेट के अंदर है या जो सेकंड टर्म तुम्हारी होगी वो आइदर तुम्हें बाइनोमियल दिया जाएगा, ट्राइनोमियल दिया जाएगा, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 3x-2। अब इनका मल्टीप्लीकेशन का है तो एक तरीके से तुम्हें याद रखना है कि हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपनिंग करनी है, ठीक है। या तुम कह लो कि जो तुमने रैशनल नंबर चैप्टर में पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन, तो उनका यूटिलाइजेशन करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले ये जो 4x है पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इस 4x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म से करेंगे, दैट इज -2, 4x × 2। तो माइनस साइन मैंने आगे ले लिए, तो अब मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल रही तुम्हारी, 4 3 12 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, -8x हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ, वो पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे जैसे तुम एक्सरसाइज करते जाओगे तुम्हें और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है 4p, ठीक है, इंटू, अब मैं क्या करूंगी, जो बड़ी सी टर्म है ना उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखूंगी तो आसान रहेगा, ठीक है। इस केस में अगेन वही है कि 4p का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी q के साथ, फिर बीच में प्लस की साइन क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और फिर 4p का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी r के साथ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4pq प्लस 4pr, ठीक है। और मोस्टली ये तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंट टर्म्स होंगे तो इनका फर्दर कुछ नहीं हो सकता, यही तुम्हारा लास्ट आंसर है। सेम वे यहाँ पे करूंगी ab इंटू, सेकेंड टर्म को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी बड़ी वाली को। अब वही है, पहले मैं ab को मल्टीप्लाई करूंगी a के साथ, तो ये हो जाएगा ab इंटू a, फिर ये बीच में माइनस साइन है ब्रैकेट में तो ये माइनस आ जाएगी, और ये हो जाएगा ab इंटू b, तो ये हो जाएगा a² b - ab का स्क्वायर। अब थर्ड में भी, अब देखो थर्ड में ये बड़ी है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी, छोटी वाली को आगे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7a² b² × a+b। अब अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करो तो ये हो जाएगा 7a² b² × a+7a² b² × b, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 7 as it is a³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा, b² प्लस 7a² और ये हो जाएगा b³। अगेन यहाँ पे बड़ी टर्म को ब्रैकेट में लिख देंगे, छोटी वाले को आगे लिख देंगे। अब मैंने बता दिया, अब मैं सीधा मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4a × a² बीच में माइनस साइन आ जाएगी, 4a × 9, तो ये क्या हो जाएगा, 4a³ - 36a। अगेन यहाँ पे 0 × इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, pq + qr + rp। अब देखो 0 × anything क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो। अब सेकेंड जो टेबल है उसको करने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हें ये क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो बस बचकाने क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो तीन टर्म्स में प्रोडक्ट है तुम्हारा, तो पहले मैं क्या करूंगी पता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों a की टर्म्स है, ठीक है, तीनों में a वेरिएबल है, तो मैं इनके पावर्स को ऐड कर लेती हूँ, 2 + 22 + 26 हो जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा 8 × a^50 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2/3 × -9/10 कोएफिशिएंट के साथ हो जाएगा, ठीक है, × x 3 और y का एडिशन 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐड होके 3 3 हो जाएंगे, 3 1 3 3 9, 2 1 2 5 10, तो सिंपली मेरा आंसर आ जाएगा -3/5 x³ y³। अगेन यहाँ पे -10/3 as it is, 6/5 इसके बगल में। अब यहाँ पे p1 है, यहाँ पे q1 है, तो p के टोटल कितने हो जाएंगे, 4, q के कितने हो जाएंगे, 4, तो ये तुम्हारा, और ये 3 कैंसिल आउट कर लो, लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, 5 5 2 5, तो ये हो जाएगा -4p^4 q^4। अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा x और सबकी पावर्स को ऐड कर लो सिंपली इसमें, तो 4 3 7 8 9 10 हो जाएगा, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, अब हमें सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं ढूंढना है, उसमें कुछ वेरिएबल्स के वैल्यूज डाल के उसका आंसर भी ढूंढना है, ठीक है। तो पहले तो हम प्रोडक्ट ही ढूंढ देंगे, ये हो जाएगा 3x (4x - 5+3), ठीक है। तो 3x का मल्टीप्लीकेशन करो पहले इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3x × 4x - 3x × 5+3, तो ये हो जाएगा
12x² - 15x + 3, ठीक है। अब वैल्यूज डाल देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अब इन्होंने कहा है एट x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू हाफ, हाफ वाला मैं करके दिखा देती हूँ, 3 वाला तुम लोग खुद कर लेना। अब इसमें हम जब ये कहेंगे लेट x इक्वल्स टू हाफ है, तो ये हो जाएगा 12 × ½² - 15 × ½+3, तो ये हो जाएगा 12 × ¼ - 15/2+3, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 3 = 12, तो ये 3 + 3 तो हो गया 6 - 15/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 × 6 = 12 हो जाएगा 12 - 15/2, दैट इज -3/2, तो यही मेरा आंसर है। अब आते हैं बी पार्ट पे, पहले प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। वो आ जाएगा a² + a + 1+5, तो ये हो जाएगा a³ + a² + a+5। अब अगेन वही है कि मैं एक ही करके दिखाऊंगी, बाकी के तुम ट्राई कर लेना। तो फिर जब a = -1 है, तो देयरफॉर मेरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1³ + -1² + -1+5। देखो माइनस का क्यूब है, 3 times मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन -1 + 5, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, -1 + 5 कितना होता है, 4 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि इन तीनों टर्म्स को ऐड करो। देखो ऐड होता है तो इसका मतलब जहां जाइए कॉमा या एंड इनके बीच में प्लस की साइन आनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन अब हो जाएगा p - q + q (q-r) + r (r-p), तो ये जाएगा p² - pq + q² - qr + r² - rp, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि सारे टर्म्स तुम्हारे कैसे हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसमें फर्दर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। अगेन ऐड का है तो पहले हम इसको पहली पेयर को ऐसे लिख लेंगे, प्लस की साइन दे देंगे, 2yz - y - x। अब ओपन अप कर लेते हैं, 2xz - 2x² - 2xy + 2yz - 2y² - 2xy। अब देख लो कुछ सिमिलैरिटी है, तो देखो 2xz है यहाँ पे, 2xz कहीं और है ही नहीं, ठीक है, -2x² और कहीं है ही नहीं, -2xy और -2xy, सिर्फ ये वाली टर्म तुम्हारे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2xz as it is - 4xy + 2yz - 2x² - 2y², ठीक है। अब इन्होंने लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो सब्ट्रैक्शन में याद रखना है ये फर्स्ट आएगा, तो हम लिख देंगे 4l (10n - 3m) + 2l। अब देखो सब्ट्रैक्शन होता है तो फर्दर जो भी क्वेश्चन है उसको ब्रैकेट में लिख दो, तो ये जाएगा 3l ब्रैकेट के अंदर l - 4m + 5n। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40ln - 12lm + 4 to the 8l² - ठीक है। अभी मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 3l² - 12ln + 15ln। अब इसको ओपन अप कर लेते हैं, 40ln as it is - 12lm as it is (8l² - 3l² ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 12 ln, 15 प्लस था तो माइनस हो जाएगा 15 ln। अब हम इसको देख लेते हैं, ये 40 ln है, यहाँ पे -50 ln है, तो सिंपली ये हो जाएगा 25 ln। -12 ln + 12 ln कैंसिल हो जाएगा, 8 - 3 कितना हो जाएगा, +5 l² हो जाएगा, तो यही हमारा लास्ट आंसर है। अगेन सब्ट्रैक्ट में ये फर्स्ट हो जाएगा, तो पहले इसको आगे लिख लेते हैं, 4c - a + b + c ब्रैकेट के अंदर 3a (a+b+c) - 2b (a-b+c), तो ये हो जाएगा -4ac + 4bc + 4c², ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट था तो यहाँ पे माइनस साइन में भूल गई थी, तो माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3a² + 3ab + 3ac
-2ab -2b² ये प्लस हो जाएगा और -2bc। अब देखो तुम्हारी चॉइस है, आइदर तुम इस ब्रैकेट को और सिंपलीफाई कर लो फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, या पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर सिंपलीफाई करो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी, पहले अपनी ब्रैकेट को छोटी करूंगी, तो ये हो जाएगा 3a² और कोई टर्म है ही नहीं, प्लस 3ab -2ab हो जाएगा प्लस ab, प्लस 3ac और कोई टर्म है ही नहीं, प्लस 2b² -2bc, सिर्फ इतना ही सिंप्लीफिकेशन हो पाया है। अब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² -3a² -ab -3ac -2b² प्लस 2bc। ठीक है, तो ये -4ac है, यहाँ पे -3ac है, तो ये टोटल हो जाएगा -7ac प्लस 4bc है, यहाँ पे 2bc है, तो ये हो जाएगा 6bc। ठीक है, और बाकी -ab एज इट इज, फिर प्लस 4c² -3a² -2b² एज इट इज। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक और एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है, वो करने के बाद में तुम लोगों को बहुत ही बेटर तरीके से आ जाएगा। और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।